हेलो स्टूडेंट्स, अपने आज के इस वीडियो में मैं अभिंद्र रंगा आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले आपको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नव वर्ष में आपके लिए सफलताओं के अंबार लगें, मेरी भगवान से आपके लिए यही प्रार्थना है। हमारा आज का वीडियो प्राचीन भारत से संबंधित है, जिसमें टॉपिक है प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के स्रोत। इस टॉपिक में लिए गए प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होंगे, जो आपको ये महसूस करवाएंगे कि वास्तव में यह प्रश्न पत्र वही प्रत्याशी अच्छी प्रकार से कर सकते हैं जिनकी इस विषय पर पकड़ अच्छी हो। इस प्रश्न पत्र ने हर प्रकार का लेवल पार किया है, अतः यह उन्हीं प्रत्याशियों हेतु है जिनकी तैयारी अच्छी हो। यदि आपकी तैयारी अच्छी भी ना हो, नो प्रॉब्लम, ये कोई समस्या नहीं है। बस आपको याद इतना रखना है कि एक नोटबुक लेकर साथ में अवश्य बैठें, ताकि वो सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आप अच्छी तरह से नोट कर सकें जो इसमें बताए जाएं। बस आपको इतना जरूर करना है। अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं, प्रश्न पत्र को शुरू करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हमारा पहला प्रश्न है, प्राचीन काल में सबसे पहले किस काल से मूर्तियों का निर्माण कार्य शुरू हुआ था? गुप्त काल, मौर्य काल, कुषाण काल और वैदिक काल। सोचिए स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और कितनी भी हायर लेवल की और कितनी भी लोअर लेवल की परीक्षा में ये पूछा जा सकता है, लेकिन जीके का ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। प्राचीन भारतीय इतिहास में ऐसे प्रश्न आपके समक्ष कॉम्पिटिटिव और एंट्रेंस एग्जाम में रखे जाएंगे, तो देखिए क्या आंसर है इसका। तो मैं अपना आंसर देता हूं स्टूडेंट्स, इसका हमारा आंसर है सी, कुषाण काल। कुषाण, जिसका महान और प्रतापी राजा कनिष्क था, जो चीन की कुई सांग जाति से संबंधित था, लेकिन बाद में कुई सांग से कुषाण इसका नाम पड़ा। उसका सबसे प्रतापी राजा, सबसे महान राजा कनिष्क था। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि गांधार कला शैली का नाम आपने शायद सुना हो। गांधार कला शैली भारत में यूनानियों की देन है। यह मूर्तिकला की एक विशेष शैली है जो यूनानियों से भारतीयों ने सीखी थी। प्रश्न पूछ लिए जाते हैं स्टूडेंट्स, तरह तरह से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि गांधार कला शैली किसके काल में फली फूली। तो आपको याद रखना है कि गांधार कला शैली राजा कनिष्क के काल में फली फूली। प्रश्न पूछ लिया जाता है, गांधार कला शैली भारत में किसके संपर्क से विकसित हुई। तो आपको याद रखना चाहिए कि गांधार कला शैली भारत में भारत यूनानी संपर्क से विकसित हुई। प्रश्न पूछ लिया जाता है स्टूडेंट्स, गांधार कला शैली किस प्रकार की कला शैली है। तो आपको याद रखना चाहिए कि गांधार कला शैली एक प्रकार की मूर्ति कला की शैली है। ऊपर क्वेश्चन में दिया गया है कि प्राचीन काल में सबसे पहले किस काल से मूर्तियों का निर्माण कार्य शुरू हुआ, तो हमारा इसमें आंसर आता है कुषाण काल। प्रत्याशियों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप तुरंत इसे सब्सक्राइब करें और बेल बटन को अवश्य दबाएं। हमारे द्वारा डाले जाने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक, शेयर व इस पर कमेंट अवश्य करें कि आपको यह कैसा लग रहा है। प्रश्न नंबर दो में देखिए, आरंभिक प्राचीनतम सिक्कों पर निम्नलिखित में से सबसे पहले क्या अंकित किया गया? देवी देवताओं की मूर्तियां, चिन्ह, देवी देवताओं के नाम, राजा और उनकी तिथियां। सोचिए स्टूडेंट्स, देखिए कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है अगर आपने तैयारी अच्छी की है तो, और अगर तैयारी अच्छी नहीं भी है तो नोट कर लीजिए।
सोचिए, देखिए इसमें हमारा आंसर है चिन्ह बी, हमारा इसमें आंसर है, क्योंकि सबसे पहले चिन्ह प्रचलन में आए और चिन्हों के बाद अक्षर और अक्षर से भाषा का निर्माण हुआ, उसके बाद में विदेशी संपर्क यानी यूनानी संपर्क से भारतीयों ने मूर्ति कला को सीखा, और उसके बाद में राजा और राजाओं की तिथियां और राजाओं की मूर्तियां, आप समझ सकते हैं। तो इसमें हमें बी आंसर यानी चिन्ह उत्तर प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए स्टूडेंट्स, प्राचीन काल में सर्वाधिक अभिलेख निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्राप्त हुए? देखिए कुशीनारा से, गुजरात से, बिहार से, मैसूर से, सोचिए स्टूडेंट। आपको धीरे धीरे पता चल रहा है कि आपने तैयारी कैसी की है, और ये एहसास होना भी बहुत जरूरी है। किसी भी प्रश्न पत्र से आपको अगर ऐसा महसूस होता है कि मेरी तैयारी कैसी है, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि अगर उसमें कोई कमी होती है तो आप थोड़े से और सावधान होते हैं। देखिए आंसर, इसमें हमारा आंसर है डी स्टूडेंट्स। देखिए डी, मैसूर से सर्वाधिक अभिलेख मैसूर से प्राप्त हुए। मैसूर में नेतुर, गोविमठ और ब्रह्मगिरी नामक स्थान है जहां से सर्वाधिक अभिलेख प्राप्त हुए हैं, तो हमारा डी इसमें हमें आंसर प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए स्टूडेंट्स, निम्नलिखित में से कौन सी कला शैली पूर्णतया स्वदेशी अथवा भारतीय है? सोचिए स्टूडेंट्स। गंधार कला शैली के बारे में तो मैं आपको बता चुका हूं कि गंधार कला शैली भारत में यूनानी संपर्क से विकसित हुई, तो गंधार कला शैली भारत में यूनानियों की देन है, तो ये तो आंसर है नहीं। इसमें हमारा आंसर है स्टूडेंट्स देखिए मथुरा कला शैली, ये पूर्णतया भारतीय एवं स्वदेशी है। उत्तर भारत के मंदिर नागर कला शैली में निर्मित हैं और दक्षिणी भारत के मंदिर द्राविड़ कला शैली में निर्मित हैं। ये आपको याद रखना चाहिए कि ये नागर कला शैली उत्तर भारत के मंदिरों में और द्राविड़ कला शैली दक्षिण भारत के मंदिरों में देखी जा सकती है, लेकिन मथुरा कला शैली पूर्णतया स्वदेशी है, तो बी इसमें हमें हमारा आंसर प्राप्त होता है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए स्टूडेंट्स, निम्नलिखित में से किन भारतीय शासकों ने सबसे पहले शीशे के सिक्के बनवाए? शीशे के सिक्के, वाह देखिए कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि इतिहास में शीशे के सिक्के बनवाने वाले राजा कौन थे, कौन से राजा थे? देखिए स्टूडेंट्स सोचिए, गुप्त शासकों ने, सातवाहन शासकों ने, मौर्य शासकों ने और शक शासकों ने। देखिए आंसर मेंशन कीजिए अपना, तो मैं इसमें आंसर बताता हूं कि शीशे के सिक्के बनवाने वाले शासक थे सातवाहन शासक, और सोने के सिक्के बनवाने वाले शासक थे गुप्त शासक, तो इसमें हमारा आंसर बी हमें प्राप्त होता है स्टूडेंट्स। हमारा अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स, जेम्स प्रिंसेप द्वारा निम्नलिखित में से किस लिपि को पढ़ा गया था? सोचिए स्टूडेंट्स, जेम्स प्रिंसेप द्वारा निम्नलिखित में से किस लिपि को पढ़ा गया था? सोचिए। तो देखिए मैं बताता हूं आपको कि जेम्स प्रिंसेप द्वारा ब्राह्मी लिपि को पढ़ा गया था। जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में अशोक के अभिलेखों पर लिखी ब्राह्मी लिपि को पढ़ा था। वैसे तो अशोक के अभिलेख ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, यूनानी लिपि और आर्मेनिक लिपि सभी इन लिपियों में हैं, लेकिन 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के ब्राह्मी लिपि से लिखे अभिलेख को पढ़ा था। 1837 में
तो वो थी ब्राह्मी लिपि, तो इसमें ए हमें हमारा आंसर प्राप्त होता है स्टूडेंट्स। हमारा अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स, प्राचीन भारत के अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत सबसे अधिक प्रामाणिक और विश्वसनीय है? सोचिए स्टूडेंट्स, साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत, विदेशी यात्रियों के विवरण, लौकिक साहित्य। सोचिए स्टूडेंट्स, सबसे अधिक प्रामाणिक और विश्वसनीय साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत, विदेशी यात्रियों के विवरण, लौकिक साहित्य। मेंशन कीजिए, इसमें हमारा आंसर है पुरातात्विक स्रोत, जिसमें अभिलेख, सिक्के, मूर्तियां, स्मारक एवं भवन इत्यादि आते हैं स्टूडेंट्स, तो इसमें बी हमें हमारा आंसर प्राप्त होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, प्राचीनतम काल में निम्नलिखित में से अब तक सर्वाधिक सिक्के किस काल के प्राप्त हुए हैं? सोचिए स्टूडेंट्स, गुप्त काल, मौर्योत्तर काल, वैदिक काल, सातवाहन काल। सोचिए स्टूडेंट्स, इसमें हमारा आंसर है बी, मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल में सर्वाधिक सिक्के प्राप्त हुए हैं, प्राचीनतम काल में, ये हमें याद रखना चाहिए स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न देखिए स्टूडेंट्स, निम्नलिखित में से किस वेद में देवी देवताओं की स्तुति में रची गई प्रार्थनाओं का वर्णन है? सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। सोचिए स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट्स, प्राचीन भारतीय इतिहास की अगर आपने अच्छी तरह स्टडी की है तो आपके लिए ये मुश्किल नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत से प्रश्न बहुत कुछ पढ़ने के बाद भी मुश्किल लगते हैं। नो प्रॉब्लम, 100% कई बार हम सही नहीं हो सकते, लेकिन फिर भी परफॉर्मेंस तो परफॉर्मेंस है, अच्छी परफॉर्मेंस जिस जो सफलता दिलाए, वो कितना भी परसेंट हो, 100% चाहे ना भी हो, नो प्रॉब्लम। देखिए आंसर, इसमें हमारा आंसर है बी, ऋग्वेद। ऋग्वेद में देवी देवताओं की स्तुति में रची गई प्रार्थनाओं का वर्णन है, जबकि सामवेद भारतीय संगीत का जनक माना जाता है, सामवेद को भारतीय संगीत का जनक। अथर्ववेद जो है उसमें पवित्र जादू, रोग निवारण और बहुत सी औषधियों, अंधविश्वासों, जादू टोने आदि का वर्णन है, जबकि यजुर्वेद कर्म कांड प्रधान वेद है, और यही एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है। एक बार आईएएस की परीक्षा में, सिविल सर्विस में, यह क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है। यह प्रश्न बहुत ही मुश्किल प्रतीत हुआ था, बहुत कम बच्चे इसको सही कर पाए थे, तो इसमें हमारा आंसर बी हमें प्राप्त होता है स्टूडेंट्स। हमारा अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स, कौटिल्य का अर्थशास्त्र निम्नलिखित में से किस विषय पर आधारित था? वेरी 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 इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछा गया है, और आईएएस सिविल सर्विस परीक्षा में तो ये कई बार पूछा गया है। सोचिए स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं इसको, इसमें आपको आंसर बताता हूं कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र राजनीति पर आधारित एक ग्रंथ था। इसमें सभी स्टूडेंट ये गलती करते हैं, सोचते हैं कि अर्थशास्त्र से संबंधित है तो अर्थ पर ही आधारित होगा,
लेकिन इसीलिए इस प्रश्न को पूछा जाता है, इतना आसान नहीं है स्टूडेंट्स। अगर अर्थशास्त्र पे आधारित होता तो क्यों पोस्ट पूछा जाता? तो ये गलती हमें नहीं करनी चाहिए और यही गलती पहले स्टूडेंट्स ने की है, प्रत्याशियों ने की है। तो ये हमें याद रखना चाहिए कि ये ग्रंथ जो है वो राजनीति पर आधारित था, अर्थ पर आधारित नहीं था। तो यही गलती हम बार बार इसमें करते रहते हैं। इसमें बी हमारा आंसर जो है हमें प्राप्त होता है स्टूडेंट्स। प्रत्याशियों, हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा स्रोत है जिससे दक्षिणी भारत के प्रारंभिक इतिहास की जानकारी मिलती है? बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य, संगम साहित्य और भगवती सूत्र। तो सोचिए स्टूडेंट्स, इस प्रश्न को देखकर आपको महसूस हो रहा होगा कि हमने स्टडी तो बहुत ज़्यादा की थी, ये कैसे प्रश्न है। स्टूडेंट्स ऐसा ही होता है, अगर आपने बहुत ज़्यादा पढ़ाई की है और प्रश्न आपको ऐसे फेस करने पड़ रहे हैं तो ये परेशानी आपके साथ ही नहीं है, ये सभी के साथ ऐसा होता है। कई बार पेपर में मेरिट टफ चली जाती है अगर ज़्यादा मुश्किल होता है। अगर आपने वास्तव में स्टडी बहुत ज़्यादा अच्छी की है तो नो प्रॉब्लम, ये ऐसी कई बार पेपर इस प्रकार से सेट होते हैं, आपको ये ध्यान रखना चाहिए, उसमें मेरिट थोड़ी सी टफ चली जाती है। तो देखिए इसमें हमारा आंसर है सी, संगम साहित्य। जबकि भगवती सूत्र में महावीर स्वामी के जीवन वृत्तांत के बारे में पता चलता है और संगम साहित्य से दक्षिणी भारत के प्रारंभिक इतिहास की जानकारी हमें मिलती है, तो इसमें सी हमें आंसर प्राप्त होता है स्टूडेंट। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप तुरंत इसे सब्सक्राइब करें और बेल बटन को अवश्य दबाएं ताकि आपको हमारे द्वारा डाले जाने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक, शेयर व इस पर कमेंट अवश्य करें कि आपको यह कैसा लग रहा है। हमारा अगला प्रश्न है डायमेकस, निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में यूनानी राजदूत था? तो स्टूडेंट्स ये तो हमें पता ही है कि हमारे यूनान से संपर्क जो है वो कब जुड़े थे, मौर्य वंश में, ये तो हमें पता ही है। लेकिन फिर भी आप सोचिए आंसर क्या है इसका, सोचिए, ये प्रश्न ज्यादा मुश्किल नहीं है हायर स्टडी वालों के लिए, जिन्होंने डीपली स्टडी की है उनके लिए मुश्किल नहीं है। तो देखिए इसमें हमारा आंसर है डी, बिंदुसार। डायमेकस बिंदुसार, बिंदुसार कौन था? अशोक का पिता और चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार, इसके शासन काल में डायमेकस यूनानी राजदूत भारत में आया था। तो डी हमारा आंसर हमें इसमें प्राप्त होता है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स अगला प्रश्न देखिए, भारत की राजनीतिक एवं सांस्कृतिक स्थिति को जानने का सबसे दुर्लभ दस्तावेज निम्नलिखित में से किस पुस्तक को माना जाता है? हिस्टोरिका, सी यू की, नेचुरल हिस्टोरिका, तहकीके हिंद। हाँ स्टूडेंट प्रश्न तो मुश्किल ही है लेकिन आपने स्टडी भी तो की है और ये तो चलता ही रहता है कम्पिटिटिव लाइफ में, प्रतियोगी जीवन में ये तो चलता ही रहता है, मुश्किल आसान, लेकिन जितना मुश्किल आपके सामने आएगा आप उतनी ही उतना ही ज़्यादा स्टडी करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स दुर्लभ दस्तावेज, तो मैं अपना आंसर बताता हूँ बी, इसमें सी यू की। चीनी यात्री ह्यून सांग, जिसका नाम युआन च्वांग भी था, अपनी भारत यात्रा का वृतांत सीयूकी में दिया है। उसने इस पुस्तक में राजनीतिक एवं सांस्कृतिक स्थिति को जानने का, उसने इस दस्तावेज में भारत की राजनीतिक व सांस्कृतिक स्थिति का वर्णन किया है, जिसके बहुत से पेज जो है, जिसके बहुत से पन्ने जो हैं वो फट चुके हैं और उस स्थिति को जानने का बड़ा ही मुश्किल यानी दुर्लभ, जो आसानी से
सुलभ ना हो, वो दस्तावेज सीयू की है, ह्यून सांग द्वारा लिखित, चीनी यात्री ह्यून सांग द्वारा लिखित, और हिस्टोरी का जो है वो हेरोडोटस, जिसको इतिहास का पिता में, इतिहास का जनक माना जाता था, उसके द्वारा लिखित पुस्तक है, जबकि नेचुरल हिस्टोरी का इतिहासकार पिलनी द्वारा लिखी गई पुस्तक है, और तहकीके हिंद अलबेरूनी द्वारा लिखित पुस्तक है, जिसमें उसने राजपूतकालीन समाज और धर्म का विस्तृत वर्णन किया है। तो इसमें हमारा आंसर बी हमें प्राप्त होता है स्टूडेंट्स। हमारा अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स, देखिए, प्रमुख अरब यात्री अलबेरूनी निम्नलिखित में से किस बादशाह का इतिहासकार था? अलाउद्दीन खिलजी, महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी, मोहम्मद बिन कासिम। सोचिए स्टूडेंट, ज्यादा मुश्किल प्रश्न नहीं है, सोचिए। देखिए इसका आंसर है महमूद गजनवी। महमूद गजनवी का इतिहासकार था अलबेरूनी। यह भी पूछ लिया जाता है कि अलबेरूनी किसका समकालीन था? महमूद गजनवी का। ये महमूद गजनवी वो लुटेरा था जिसने भारत में बहुत लूट मचाई थी, सोमनाथ के मंदिर को लूटने वाला भी ये था। 1025 में इसने सोमनाथ के मंदिर को भी लूटा था। तो ये प्रश्न पूछ लिए जाते हैं स्टूडेंट्स, भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? तो भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम शासक मोहम्मद गोरी था। और इसके बारे में पूछा जाता है कि भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम। ये आपको याद रखना चाहिए। जबकि अलाउद्दीन खिलजी जो है वो सल्तनत काल में बादशाह हुआ है, यही मोहम्मद गोरी जिसको कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत में छोड़कर गया था, उसके बाद के राजाओं में अलाउद्दीन खिलजी जो है वो सल्तनत कालीन राजा हुआ है, शासक हुआ है, बादशाह हुआ है। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं कि भारतीय इतिहास में बाजार मूल्य नियंत्रण प्रणाली को किसने लागू किया था? तो वो था अलाउद्दीन खिलजी। और ये भी पूछ लिया जाता है कि भारतीय इतिहास में दाग और हुलिया प्रणाली किसने लागू की थी, यानी हुलिया दर्ज करने की प्रथा और दागने की प्रथा, जैसे घोड़ों को दागना, शासकीय घोड़े कि उन पे निशान लगाना, दाग कर गर्म करके निशान लगाना, जिससे ये पता चले कि ये घोड़ा जो है स्पेशल है, शासकीय है। और हुलिया दर्ज करने की प्रथा जो आजकल जो है, जिसका विकसित रूप है फोटो, जो हमने नौकरी वगैरह के लिए सर्विसेज में अप्लाई करते हैं उस समय, तो ये दाग और हुलिया प्रणाली जो है इतिहास में लागू करने वाला अलाउद्दीन खिलजी ही था। तो इसमें हमारा आंसर आता है बी। हमारा अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स, निम्नलिखित में से किस धर्म ग्रंथ में महावीर स्वामी के जीवन वृत्तांत की जानकारी मिलती है? आचारांग सूत्र, भगवती सूत्र, भागवत पुराण और त्रिपिटक। देखिए स्टूडेंट्स, कौन सा आंसर इसमें हमारा हो सकता है? लेकिन याद करें, मैं पिछले ही प्रश्नों में आपको ये करवा भी चुका हूं। तो इसमें हमारा आंसर है भगवती सूत्र। भगवती सूत्र में महावीर स्वामी के जीवन वृत्तांत की जानकारी मिलती है, जबकि आचारांग सूत्र में जैन भिक्षुओं के आचार व्यवहार की जानकारी हमें मिलती है। और त्रिपिटक ग्रंथ जो है वो जैन धर्म के ग्रंथ हैं, जिनको ज्ञान के पिटारे कहा जाता है। त्रिपिटक जो है, अभिधम्म पिटक, विनय पिटक और सुत पिटक, ये तीन पिटक जो है इनको ज्ञान के पिटारे कहा जाता है, यानी जैन धर्म के बारे में ज्ञान उनमें दिया गया है। तो इसमें हमारा आंसर बी हमें प्राप्त होता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख निम्नलिखित में से किस राजा के प्राप्त होते हैं? समुद्रगुप्त, कनिष्क, अशोक, हर्षवर्धन। सोचिए स्टूडेंट्स।
इसमें हमारा आंसर है अशोक। भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक महान के प्राप्त होते हैं स्टूडेंट्स, ये हमें याद रखना चाहिए। सी इसमें हमें आंसर हमारा मिलता है। हमारा अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स, आरंभिक प्राचीनतम प्राप्त हुए अधिकांश सिक्के निम्नलिखित में से किस धातु से बने हुए हैं। देखिए स्टूडेंट्स, सोचिए, छोटी सी बात है, स्टडी हम बहुत कुछ कर चुके हैं, लेकिन फिर भी जो है कई बार प्रश्न झटका देते हैं स्टूडेंट्स। देखिए, तांबे से, सोने से, चांदी से, कांसा से, तो इसमें हमारा आंसर है स्टूडेंट्स कि अधिकांश सिक्के जो हैं, आपको मैं बता दूं कि अधिकांश सिक्के जो हैं वो चांदी से निर्मित हैं। प्राचीनतम प्राप्त हुए अधिकांश सिक्के चांदी से निर्मित हैं, तो सी इसमें हमें हमारा आंसर प्राप्त होता है स्टूडेंट्स। हमारा अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स, निम्नलिखित में से किस वेद की रचना सबसे बाद में हुई। सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, तो ये सभी को पता है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद, इसका मतलब सबसे पहले ऋग्वेद की रचना हुई। फिर उसके बाद में नंबर दो पे हुई यजुर्वेद की रचना, और फिर उसके बाद में नंबर तीन पर हुई सामवेद की रचना, और नंबर चार पर हुई अथर्ववेद की रचना। तो जाहिर है कि जिस वेद की रचना सबसे बाद में हुई वो अथर्ववेद था, इसलिए सबसे पुराना वेद ऋग्वेद और सबसे बाद का वेद यानी सबसे बाद वाला वेद जो है वो अथर्ववेद है। तो इसमें हमारा आंसर जो है हमें बी प्राप्त होता है स्टूडेंट्स। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप तुरंत इसे सब्सक्राइब करें और बेल बटन को अवश्य दबाएं, ताकि आपको हमारे द्वारा डाले जाने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक, शेयर व इस पर कमेंट अवश्य करें कि आपको यह कैसा लग रहा है। स्टूडेंट्स, हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस दस्तावेज में भारत फारस संबंधों का उल्लेख है। सोचिए स्टूडेंट्स, भगवती सूत्र, हिस्टोरिका, तहकीके हिंद, राजतरंगिणी, सोचिए। इसमें हमारा आंसर है बी, हिस्टोरिका में, जो हेरोडोटस द्वारा लिखी गई थी। इस पुस्तक में भारत फारस संबंधों का वर्णन है। फारस यूनान में एक शहर है, तो इसलिए भारत फारस मींस भारत और यूनान के संबंध। तो हिस्टोरिका नामक पुस्तक हेरोडोटस द्वारा लिखी गई थी, जिसमें भारत फारस संबंधों का वर्णन है। तहकीके हिंद अलबेरूनी ने लिखी थी, और राजतरंगिणी में कश्मीर के इतिहास का वर्णन है, जो कलहण ने लिखी थी। कलहण, हमें ये याद रखना चाहिए। तो इसमें हमारा आंसर बी हमें प्राप्त होता है। हमारा अगला प्रश्न है, मध्य एशिया के बोगज कोई नामक स्थान से प्राप्त सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख में निम्नलिखित में से किस देवता का उल्लेख नहीं है। सोचिए स्टूडेंट्स, सोचिए, इंद्र, मित्र, वरुण, सूर्य, देखिए किसका वर्णन बोगज कोई नामक स्थान से प्राप्त अभिलेख में नहीं है। इंद्र, मित्र, वरुण और सूर्य, देखिए इसमें हमारा आंसर है सूर्य। उस अभिलेख में इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य इत्यादि देवताओं के नाम लिखे हैं, सूर्य का नाम उसमें नहीं है। तो डी इसमें हमारा आंसर हमें प्राप्त होता है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, टेस्ट पेपर सीरीज में हमारा वीडियो प्रोग्राम इसी प्रकार से आगे भी जारी रहेगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।